देखिए हमारे साथ मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले 14 जून रात 8 बजे स्टार प्लस। शूट बहुत ही मज़ेदार रहा, काफ़ी सारे टेक्स दिए, वेरिएशंस दिए, काफ़ी सारे एंगल्स, तो आई थिंक डायरेक्टर साहब को जो चाहिए था उनको मिल गया, वो बहुत खुश हैं, वो खुश तो मैं खुश। प्रोमो शूट कर रहे थे, मास्टर शेफ इंडिया का ग्रैंड फिनाले है 8 बजे स्टार प्लस पर, और मैं जाने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है, तो सबको बताने कि मैं जा रहा हूँ, एक प्रोमो शूट कर रहे थे। पिक्चर तो आ रही है जुलाई 5th को लुटेरा, तो प्रमोशन शुरू हो गए हैं। अब मास्टर शेफ़ पे जाएंगे, मास्टर शेफ़ की व्यूअरशिप माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, तो वहाँ जाएंगे, लोगों को बताएंगे एक बार कि हमारी फिल्म आ रही है जुलाई 5th को, तो उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगी, होपफुली लोगों को प्रोमो मटेरियल हमारे लुटेरी फिल्म का अच्छा लगा है, और जुलाई 5th को जाएंगे देखने। मैं तो बहुत कमाल का कुक हूँ मैं बॉयल्ड अंडे इतने कमाल के बनाता हूँ, और बटर टोस्ट और ऑमलेट, और मैं फ्रूट्स भी काट लेता हूँ, और कभी कभी प्रोटीन शेक भी बना लेता हूँ मैं। मुझे कुकिंग नहीं आती है, रेडीमेड पैकेट से बटर चिकन बनाता था अपने अमेरिकन दोस्तों के लिए जब मैं यूनिवर्सिटी में था अमेरिका में, उनको लगता था अरे वाह क्या कुक करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं रेडीमेड पैकेट का मसाला यूज़ करके उसमें चिकन डाल देता था। हाँ, मुझे उतनी हद तक ही कुकिंग आती है। मैं जी मास्टर शेफ़ इंडिया ही नहीं, मैं मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया, US वर्जन, जूनियर मास्टर शेफ़ सभी देखते आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। आई एम अ बिग फूडी, तो खाने से बहुत लगाव है, और बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट आई लव अबाउट द इंडियन वर्जन इज़ ट्रू टू आवर इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। हमारा फोकस ना सिर्फ खाने पर, लेकिन उन कंटेस्टेंट्स की बैकग्राउंड और इमोशंस पर भी होता है, तो इट मेक्स फॉर गुड टीवी वॉच। नहीं, मैं कभी मेरे हाथ में चॉकलेट या चिप्स होता है तो मैं ऑफ़र कर देता हूँ, लेकिन और हाँ कभी पानी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं ये अफवाह किसने फैलाई है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है। विक्रमादित्य आपसे मिलेंगे तो उनको ज़रा पूछना भैया रणवीर का गिफ्ट कहाँ है, मुझे भी पता होना चाहिए ना कहाँ है मेरा गिफ्ट। होपफुली लोगों का दिल लूटेंगे, दिल से बनाई है, काफ़ी हार्डशिप्स फेस करने पड़े हमें इस फिल्म को बनाने के लिए, और इंटेंस लव स्टोरी है। विक्रमादित्य बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उन्होंने उड़ान फिल्म बनाई थी, और बहुत ही मंझे हुए फिल्म मेकर हैं। होपफुली लोगों को अच्छी लगी, जुलाई 5th को निकल रही है, काफ़ी अरसे के बाद मेरी कोई रिलीज़ आ रही है, 19 महीने हो गए, तो वेट काफ़ी लॉन्ग रहा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी। मास्टर शेफ़ में मैं जो भी वो खाना बनाएंगे मैं सारा खा जाऊँगा, क्योंकि वो एक दिन है जो मैं अपने डाइट से ब्रेक लेने वाला हूँ। ब्रेड पकौड़े बहुत खा लिए, अब मास्टर शेफ़ के फाइनलिस्ट क्या बनाते हैं वो देखते हैं, वो खाते हैं। मैंने सोच के रखा है कि कभी ना कभी लाइफ में मैं एक कोर्स करूँगा, गोरमे मील बकेट लिस्ट में ये भी है कि एक बार एक कोर्स करूं जिसमें मुझे खाना बनाना सीखने को मिले। होपफुली ग्रैंड फिनाले में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बॉडी की तो बात ही मत करो यार, मैं तक थक गया हूं, पक गया हूं डाइट करते करते। अब ग्रैंड फिनाले में जाके बस दबाएंगे, थोड़े कैलरीज अंदर करेंगे, होपफुली कुछ डिजर्ट्स भी बनेंगे फाइनल्स में, देखेंगे क्या क्या बनता है।